मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, मैं संतोष सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं नए केंद्रीय मंत्रिमंडल के बारे में। जी हां, 7 जुलाई 2021 को मोदी मंत्रिमंडल में बहुत ही अहम फैसला लिया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने बहुत से हेर फेर किए हैं। जिसमें एक बात किया जाता है, अगर एक टीम की तो टीम के रूप में अगर एक माने नरेंद्र मोदी जी अगर कप्तान हैं तो उन्होंने कई खिलाड़ियों को चेंज किया हुआ है। तो आइए देखते हैं उनके नए कैबिनेट में कौन कौन से मुख्य नाम शामिल हुए हैं और कौन नए नाम जोड़े गए हैं और किनको पद से हटा दिया गया है। अगर बात करें हम लोग तो जो स्टार्टिंग के जो इनके सबसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बेस्टमैन है, बेस्ट जो हैं, तो उन लोगों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। जैसे बात किया जाए, हम लोग गृह मंत्री की बात किया जाए तो अमित शाह जी हैं, वो सही हैं। रक्षा मंत्री जो हो गए वो भी राजनाथ सिंह हैं, उनको भी चेंज नहीं किया। वित्त मंत्रालय की बात किया जाए तो निर्मला सीतारमण है, वो भी चेंज नहीं किया गया। तो मुख्य रूप से और माननीय प्रधानमंत्री की जो पद है वो नरेंद्र मोदी जी कायम है। तो मुख्य रूप से अगर बात किया जाए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पद हैं वो सभी के सभी बरकरार हैं। तो समस्या ये हुई कि प्रॉब्लम कहाँ हुई है, तो अगर बात किया जाए तो इनके टीम के सबसे चार बड़े नाम जो कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, तो ये चार बड़े मंत्री, या एक तरीके से कहा जाए तो ये चार बहुत बड़े योद्धा केंद्रीय मंत्रिमंडल नरेंद्र मोदी जी के टीम से इन्होंने इनका इस्तीफा ले लिया गया। और इनके साथ ही साथ 12 ऐसे केंद्रीय मंत्रियों का इस्तीफा ले लिया गया, उनकी जगह पर नए चेहरों का मौका दिया गया है या कुछ लोगों का फेरबदल किया गया। तो चलिए आइए उनको देखते हैं विस्तार से। सबसे बात पहले किया जाए तो नरेंद्र मोदी की बात किया जाए तो प्रधानमंत्री देश के, और साथ ही साथ जितने भी वो कार्यभार संभाल रहे थे तो उनके कार्यभार में अब एक पॉइंट और जुड़ गया जिसे हम लोग कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, यानी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी को भी नरेंद्र मोदी जी ने अपने पास रख लिया है। आइए बात करते हैं हम लोग केंद्रीय मंत्रिमंडल में पहली बात जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो कानून और न्याय मंत्री कौन बने हैं। तो कानून और न्याय मंत्री के बारे में अगर बात किया जाए तो किरण रिजिजू जी को बनाया गया है, जो कि इससे पहले ये खेल मंत्री थे लेकिन अब इनको कानून और न्याय मंत्री बनाया गया है। जबकि इनसे पहले अगर बात किया जाए कानून मंत्री की तो इससे पहले रविशंकर प्रसाद जी, जिनका कि इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। आइए बढ़ते हैं हम लोग दूसरे मंत्रिमंडल के रूप में, तो केंद्रीय विद्युत और ऊर्जा मंत्री के बारे में बात किया जाए तो इसका जो पदभार दिया गया है राजकुमार सिंह को दिया गया है। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग आगे लेके चलते हैं और देखते हैं तीसरे प्रश्न को। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और साथ ही साथ आवास व शहरी मामलों के मंत्री जो बनाया गया, इनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। इससे पहले जो कि पेट्रोलियम मंत्री के रूप में हम लोग बात करते थे धर्मेंद्र प्रधान जी को याद किया जाता था, जबकि उनकी जगह पर अब हरदीप सिंह पुरी को यह कमान दे दी गई है। चौथे नंबर की अगर बात करें तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और साथ ही साथ रासायनिक और उर्वरक मंत्री जो है मनसुख मंडाविया को बनाया गया है, ये जो कि नए नाम के रूप में जुड़े हैं मनसुख मंडाविया, ये भी अपने आप में बहुत ही चर्चित नाम है। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री किनको बनाया गया, मनसुख मंडाविया का, जबकि इससे पहले जो स्वास्थ्य मंत्री थे डॉक्टर हर्षवर्धन, तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी भी जो एक बड़ा नाम था जिनका कि अब इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है, अब उनकी जगह पर जो कार्यकाल संभालेंगे वो मनसुख मंडाविया जी हैं। बढ़ते हैं पांचवा प्रश्न जो हम लोग का है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन और साथ ही साथ श्रम व रोजगार मंत्री के रूप में जो है जिन्होंने कार्यभार संभाला है उनका नाम है भूपेंद्र यादव जी। छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री जो बनाया गया है पुरुषोत्तम रूपाला जी को बनाया गया है, यानी ये जो पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं वो मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री, यानी ये तीनों ही भागों को पुरुषोत्तम रूपाला जी संभालेंगे। फ्रेंड्स प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ने से पहले यदि वीडियो आपको पसंद आते तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर सूचना और प्रसारण मंत्री के बारे में अगर बात किया जाए साथ ही साथ युवा मामलों के बारे में बात किया जाए साथ ही साथ खेल मंत्री, तो ये जो तीनों के तीनों मंत्रालय है वो इस समय अनुराग सिंह ठाकुर को सौंप दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री साथ ही साथ युवा मामले और खेल मंत्री के रूप में अनुराग सिंह ठाकुर इस पद को संभालेंगे। और बात किया जाए सूचना एवं प्रसारण मंत्री जो प्रकाश जावड़ेकर हैं ये उनकी जगह पर लेंगे, और जो इनका इस्तीफा जो है ले लिया गया प्रकाश जावड़ेकर जी का, तो और साथ ही साथ इनकी जगह पर जो है अनुराग सिंह ठाकुर को यह कार्यभार दिया गया है। बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री बने हैं, तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जो बनाया गया है वो नारायण तातू राणे को बनाया गया है। नौवां प्रश्न है बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री बनाया गया है, तो जो ये बनाया गया है ये बनाया गया सर्वानंद सोनोवाल को बनाया गया है। ये जो जबकि ये पदभार भी अभी नितिन गडकरी जी संभाल रहे थे जिसे सड़क परिवहन के रूप में थे, उनको बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग तीनों इस सब विभागों को वही संभाल रहे थे, लेकिन अब उनकी जगह पर बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री जो रहेंगे वो सर्वानंद सोनोवाल जी या इस पद को संभालेंगे।
बढ़ते हैं हम लोग 10वें प्रश्न की ओर। नागरिक उड्डयन मंत्री बने हैं, तो अभी जान रहे हैं कि बहुत ही बड़ा फेरबदल दिखा गया था कि जो कांग्रेस के बहुत बड़ा नाम ज्योतिरादित्य एम सिंधिया नाम था, तो जिन्होंने अभी हाल इस्तीफा दे दिया हाल ही में कांग्रेस से और वो बीजेपी में ज्वाइन हो गए। तो बीजेपी ने इनको क्या काम किया है, नागरिक उड्डयन मंत्री के रूप में कार्यभार दिया है, जिनका नाम है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। प्रश्नों की श्रृंखला में फटाफट आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से मंत्रिमंडल है और उनको किसे दिया गया उस पदभार को संभालने के लिए। तो पर्यटन मंत्री की बात किया जाए, साथ ही साथ संस्कृति मंत्री की बात किया जाए, तो ये जो दोनों विभाग है जी किशन रेड्डी जी संभालेंगे। जी किशन रेड्डी जी को पर्यटन मंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। 12वां हम लोग का प्रश्न है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के रूप में अगर बात किया जाए तो वीरेंद्र कुमार को यह पदभार दिया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जो है वो वीरेंद्र कुमार जी बने हैं। 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इस्पात मंत्री के रूप में अगर बात किया जाए, इस्पात मंत्री बनाया गया है किसे, तो उनका जो नाम है रामचंद्र प्रसाद सिंह जी को इस्पात मंत्री नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। संसदीय कार्य मंत्री कोयला मंत्री किसे बनाया गया है, तो ये जो कब पदभार दिया गया है संसदीय कार्य मंत्री, संसद जितने रिलेटेड कार्य होते हैं वो मुख्य रूप से, और साथ ही साथ कोयला मंत्री के रूप में जो ये कार्यभार संभालेंगे इनका नाम है प्रहलाद जोशी। नए केंद्रीय मंत्रिमंडल प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 15वें प्रश्न को। महेंद्रनाथ पांडे बने हैं, तो महेंद्रनाथ पांडे जी को जो बनाया गया है भारी उद्योग मंत्री बनाया गया, जबकि इससे पहले ये कौशल विकास मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। अब इनको जो पदभार दिया गया है भारी उद्योग मंत्री का कार्यभार ये संभालेंगे। 16 हम लोग का प्रश्न है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके आने वाले जितने भी ग्रुप डी के एग्जाम रहेंगे, रेलवे के एग्जाम रहेंगे, उसके लिए तो समझ लीजिए प्रश्न एकदम ब्रह्मास्त्र की तरह है। रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन बने हैं, तो ये जो रेल मंत्री का भी कार्यभार दिया गया था पीयूष गोयल जी को दिया गया था, अब उनसे यह मंत्रालय ले लिया गया है। रेल मंत्रालय एक बहुत ही बड़ा मंत्रालय है और इसका जो कार्यभार संभालेंगे अब अश्विनी वैष्णव जी को दिया गया है। ये बहुत ही नया नाम है और अभी लोग कितने लोग इस नाम के बारे में जानते भी नहीं हो केंद्रीय मंत्रिमंडल के रूप में, तो जो ये काम दिया गया रेल मंत्री को ये बहुत बड़ा फेरबदल है। इन नई टीम लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी अपने एक कैप्टेंसी में एक नए खिलाड़ियों को लेकर, एक नए ऊर्जावान खिलाड़ियों को, लोगों युवा खिलाड़ियों को मौका देते हुए अब देखिए कैसे वो मंत्रिमंडल को आगे ले जाते हैं। तो नए जो रेल मंत्री के रूप में नियुक्त किए गए उनका नाम है अश्विनी वैष्णव जी। बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर। 17वां हम लोग का प्रश्न है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन बने हैं, तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री जो बनाया गया है पशुपति कुमार पारस जी को बनाया गया है। 18वां हम लोग का प्रश्न है अमित शाह को अतिरिक्त कार्यभार मिला है, तो अमित शाह को जानते हैं कि गृह मंत्रालय इनके पास था, तो गृह मंत्रालय इनके पास अभी भी है, यानी गृह मंत्री अमित शाह जी हैं यहाँ, और रक्षा मंत्री के बारे में अगर बात किया जाए तो राजनाथ सिंह है, और साथ ही साथ ये इनको जो पदभार दिया गया है अतिरिक्त रूप से, तो सहकारिता मंत्रालय जो था, तो सहकारिता मंत्रालय भी जो है अब उसे भी अमित शाह अपने पास रखेंगे, यानी गृह मंत्री के साथ साथ ही सहकारिता मंत्रालय भी अमित शाह ही संभालेंगे। नए मंत्रिमंडल में चलते हैं हम लोग 20वें प्रश्न की ओर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री जो बनाए गए पीयूष गोयल जी बनाए गए, तो पीयूष गोयल जी को जो दिया गया ये, और जबकि इससे पहले वो रेल मंत्रालय को भी संभाला था, तो अब रेल मंत्रालय के हाथ से निकल चुका है, और वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री के रूप में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री के रूप में पीयूष गोयल जी कार्य करेंगे। 20वां प्रश्न अगर देखा जाए तो शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री बने हैं, तो ये शिक्षा मंत्री की बात किया जाए तो बहुत ही बड़ा मंत्रालय होता है ये, माननीय मानव संसाधन मंत्रालय की बात किया जाए तो इसे जो दिया गया धर्मेंद्र प्रधान जी को दिया गया, जबकि इससे पहले ये पेट्रोलियम मंत्री के रूप में थे, लेकिन अब ये बहुत बड़ा मंत्रालय इनको दे दिया गया है शिक्षा मंत्रालय, तो ये जो है इस कार्य को, या कौशल विकास मंत्रालय जो है, उद्यमिता मंत्रालय, ये तीनों के तीनों जो मंत्रालय हैं वो धर्मेंद्र प्रधान जी देखेंगे। तो ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट नए केंद्रीय मंत्रिमंडल के रूप में, जिनको भी कुछ जगह बदलाव किया गया है और जिसमें कुछ लोगों को निकाल दिया गया है या जिनका की इस्तीफा ले लिया गया है। अब किस कारण से लिया गया, उनके उम्र के हिसाब से लिया गया या तो उनके कार्यभार के रूप में, तो ये बहुत बड़ा ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना एक कदम उठाया है जिसमें कि चार बड़े नाम, डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री, रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री, प्रकाश जावड़ेकर सूचना प्रकाशन प्रसारण मंत्री, और साथ ही साथ रमेश पोखरियाल निशंक जो कि शिक्षा मंत्री थे, तो ये चार बड़े नामों का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया और उनकी जगह पर कई युवा को मौका दिया गया है। तो देखते हैं इस मंत्रिमंडल के साथ अब हमारी जो गवर्नमेंट है, सत्ता है, वो कैसे आगे बढ़ाती है सरकार देश को, और देश की जनता के लिए क्या बढ़िया कदम, अच्छे कदम उठाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और साथ ही साथ लेकिन यदि आपका भी जो काम है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।